नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी वीडियो की बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने वीडियो एग्जाम के लिए विजयी भव सीरीज की शुरुआत की है और ये आपकी जो सीरीज है वो सब्जेक्ट वाइज रहेगी। और अभी हम फिलहाल की बात करें तो दो सब्जेक्ट ही आपकी लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें सामान्य हिंदी की और आपकी जीके की अगर हम बात करेंगे तो जीके की हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं। जीके के और भी सब्जेक्ट हैं, उनकी सभी की क्लासें शुरुआत की जाएंगी। आप इसको लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। रीजनिंग की भी क्लास आपकी शुरुआत होगी, ठीक है। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, आज की जो क्लास है वो आपकी सामान्य हिंदी से है और क्लास आपकी तीसरी है। पहली क्लास में सामान्य हिंदी में टॉपिक आपका था सामान्य हिंदी का विकास एवं जो आपका इतिहास रहा है हिंदी का, उससे सभी हमने क्वेश्चन किए थे। उसके बाद दूसरी हमने क्लास स्टार्ट की थी नया टॉपिक से वर्णमाला, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन जो आपको कराए थे बाकायदा डिटेल के साथ, और आगे के जो क्वेश्चन है वर्णमाला से वो आज की क्लास में आपके रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं ये पूरी सीरीज। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ, जो है जो भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सकेगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका आगे का। 20 क्वेश्चन हम आपको पहले ही करवा चुके हैं, आज जो आएगा क्वेश्चन अब वो आपका 21वां होगा, ठीक है। और पीडीएफ तो जैसे आपको सभी को पता ही है कि जो पहले से ही टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है वहीं आपको सारी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर नोट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देख क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका है कि निम्न में ट वर्ग का चौथा वर्ण नहीं है। देखिए हिंदी वर्णमाला में जो आपके व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो जो पहले के हमने क्वेश्चन कराए थे 20, वो आपके सारे स्वर से संबंधित थे। ये जो क्वेश्चन आगे होंगे वो आपके व्यंजन से संबंधित सभी प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो जो व्यंजन है आपके, इसके हम हिंदी व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो 5 वर्ग होते हैं। कितने? 5 वर्ग होते हैं, जिसमें हम सभी की चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, बता देता हूं मैं आपको। देखिए क वर्ग होता है, ठीक है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, और एक आपका त वर्ग, ठीक है, और आपका अप वर्ग, ये आपके 5 वर्ग होते हैं और ये आपको याद रखने ही है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो क वर्ग की हम बात करेंगे तो यहां पे क, ख, ग और घ, ठीक है, च, छ, ज, झ, ठीक है, ये हो जाएगा। ट वर्ग की हम बात करेंगे तो ट, ठ, ड, ड और ड, त, त, थ, ध, गड़बड़ उठ गई, त, थ, द, ध और न, ठीक है, प, फ, प, फ, ब, भ, म। देखिए ये आपके जो है 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं ये? क, ये क वर्ग आपका, क वर्ग में जो वर्ड है व्यंजन वो आपके क, ख, घ, घ, च, ठीक है, च वर्ग में आपके ये है, ट वर्ग में प्रत्येक की अगर हम बात करेंगे तो आपके कितने वर्ड हैं? 5 है। देखिए सब में आप देखेंगे 5 इसमें, 5 इसमें, 5 आपके इसमें। सभी क वर्ग की बात करेंगे तो कहीं भी प्रश्न आपको मिलेगा, अगर क वर्ग की बात होगा तो इन वर्डों की बात हो रही है, ठीक है। च वर्ग की अगर बात होगी तो ये वर्ड आएंगे आपके, ट वर्ग में आपके ये हो जाएंगे और त वर्ग में आपके ये होंगे, प वर्ग में आपके। तो ये ध्यान रखना आपको, यहां से क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर हम बात करेंगे अल्प प्राण की, ठीक है, अल्प प्राण, अघोष, सघोष अगर हम पूछेंगे, ठीक है, कठोर, शिथिल की बात होगी, तो ये जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो सीधा सीधा मतलब मेरा यह है कि आपको ये याद करना, ये वर्णमाला ही तो है, आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत जब भी आप क्लास में गए होंगे पहली बार पढ़ने, तब भी ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई, तो उसमें जो है पुनः एक बार आप रिवाइज कर लेंगे कि कौन सा लेटर आपको कहाँ आता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चल तो उसमें कहा था ट वर्ग का चौथा वर्ड है, ट वर्ग का आपका चौथा वर्ड है, तो सिद्धि की ट वर्ग कौन सा आपका है? ये है, तो चौथा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ध्यान रखना। तभी मैं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन की आपको डिटेल देखनी ही देखनी है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण है, तो ऑप्शन आपके हैं छ, ड, म और भ। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आपका जो स्पर्श संघर्षी है वो आपके होते हैं चार, कौन से होते हैं चार व्यंजन वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे छ, छ, ज और झ। ये जो आपके चार वर्ड हैं व्यंजन, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ड कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, तो उसमें क्या पूछा था कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ड कौन सा है, तो आप देखेंगे इसमें छ कहां है, ये है, तो छ वर्ड जो आपका इसमें स्पर्श व्यंजन वर्ड है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरे चार, ये कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि छ छ झ झ कौन से वर्ड कहलाते हैं, तो ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, स्पर्श संघर्षी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, चलिए भाई अगला क्वेश्चन 23वां प्रश्न है, निम्न में स्वयंत्रमुखी या काकल, ये जो क्वेश्चन आपसे मिलता है कभी कभी सीधे सीधे पूछ रहा है, निम्न में काकल्य व्यंजन वर्ड है, कभी कभी पूछेगा स्वयंत्रमुखी वर्ड है, तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, कभी भी इस नाम से आए चाहे इस नाम से आए दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको पता होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा हा, यानी कि जो ह वर्ड है उसे हम स्वयंत्रमुखी जो है वर्ड भी कहते हैं, काकल्य वर्ड भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 24वां प्रश्न है आपका, च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है, च और छ का जो उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु, मूर्धन्य, कंठ या ओष्ठ, जैसे हमने स्वरों में अगर हमने बात की थी सभी प्रकार की, तो इसी प्रकार के उच्चारण स्थान के यहाँ पे बात की गई है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि तालु, ठीक है, तालु या कभी तालव्य भी बात लिखी हो तो इसमें लोग कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे आप, ठीक है, तालव्य या तालु एक ही बात होती है, यानी कि ताल से जो है बोले जाते हैं। तो ये पूरा जो च वर्ग हमने पूरा बताया था जिसमें ऐसे हमने बात की थी च, छ, ज, ठीक है, जहाँ ये सभी जो आपके तालु से बोले जाते हैं, ठीक है, अगर मूर्धन्य की हम बात करेंगे तो ट वर्ग जो आपका पता ट, ठ, ठीक है, ड, ड, तो ये क्या है मूर्धन्य बोले जाते हैं। कंठ की अगर हम बात करेंगे तो जो का वर्ग पूरा है आपका जिसमें क, ख, ग और आपका घ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। ओष्ठ की हम बात करेंगे तो प, प, फ, ब, भ और म, तो ये आपके क्या है जो ओष्ठ है, तो ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो ये आपको ये ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है, ताल से तो आपके च, छ, ज, झ यहाँ हो जाएगा, मूर्धन्य आपका ट, ठ, ड, ड, ड हो जाएगा, कंठ आपके क वर्ग क, ख, घ, घ यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, और आपका ओष्ठ हो जाएगा प, फ, भ, म, ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका तालव्य हो जाएगा। तो कहीं भी कोई भी प्रश्न पूछे, अगर आपसे पूछे भाई कि आप ये बताइए यहाँ पे जैसे च छ दे रखा है, कभी प्रश्न ऐसा भी अगर पूछता है आपको कि बताइए ब, व जो वर्ड है वो उच्चारण स्थान पर कौन सा है, तो ऑप्शन आपको ओष्ठ दिया जाएगा, ठीक है, कहीं से भी पूछ ले तो आपको ये याद करना है कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा कंठ है, कौन सा ओष्ठ है, ये कौन सा अतालव्य अतालु है, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, ये संयुक्त व्यंजन से प्रश्नाक्षर परीक्षा में आपका सीधे सीधे मिलता है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा चार। अब कहेंगे सर आप चार कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो जो आपके व्यंजन है हम बात करेंगे, देखिए कौन सा है क्षेत्र, ज्ञा और आपका होता है स्र, ये जो आपके चार हैं, कितने जो चार आपके जो वर्ण हैं आपके, ये क्या है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है क्वेश्चन आपसे मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ क्वेश्चन यहां से मिलता ही है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्यों, अगर छह जो आपका है वो मिलकर बना है क और शश, ठीक है, इसी प्रकार हम त्र की हम बात करेंगे तो त मिलकर और रा मिलकर जो है ये बना है, ज्ञा की हम बात करेंगे तो जो ज्ञा है आपका है ये भी मिलकर जो है अब बना है किससे, ठीक है, ज, ठीक है, और आपका ये हो जाएगा श
अरे ये नहीं, इसकी ओहो यहां लिख देता हूं, ठीक है। श और इस प्रकार के ये चारों मिलकर बने हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, छ वाला, ठीक है, त्र वाला ध्यान रखेंगे। ये जो जो है मिलकर बने हैं, किन किन वर्णों से जाकर मिलकर बने हैं, तो ये ध्यान रखें। इस वजह से हम इन्हें क्या संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, छह वर्ण किसके योग से बना है। देखो सीधा सीधा प्रश्न पहले दिया रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन वर्ण है। अल्प प्राण व्यंजन वर्ण है, तो इसका ऑप्शन आप क ज गड़ घ, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा क, कौन सा हो जाएगा क। अब कहेंगे सर अल्प प्राण जो व्यंजन है वो कौन से होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करेंगे, अभी हमने क्या बात की थी, वर्ग की बात भी की थी, क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग हमने बात की। तो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग में, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, तीसरा, सॉरी तीसरा नहीं होगा इसमें, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का। जैसे मैं एक वर्ग आपको समझा देता हूं, जैसे क, ख, ग और घ, तो देखो तो ये क वर्ग है पूरा, ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो यानी कि जो विषम, विषम वर्ड आप इस तरह से याद कर सकते हैं, विषम वर्ड, ठीक है, कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, वो अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। महाप्राण, ये तो आपको अल्प प्राण की बात होगी, ये महाप्राण जो होता है वो आपका होता है दूसरा, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ड, यानी कि आप सम संख्या से याद रखें, या सम वर्ड याद रखेंगे, ठीक है, संख्या लिख लें, वर्ड लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा और चौथा, तो कितना हो जाएगा दूसरा चौथा, ये हम बात करेंगे। तो देखो भाई, दूसरा कौन सा, खा और घ, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे महाप्राण, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना ही रखना है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे, और ऐसा नहीं कि ये एक ही वर्ग का, हर वर्ग की बात हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे ये क वर्ग था, इसी प्रकार च वर्ग की हम बात करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार ट वर्ग में, प्रत्येक वर्ग की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, कि प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ड है वो कौन सा कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा अल्प प्राण, ठीक है, और महाप्राण जो वर्ड कहलाएगा वो दूसरा और चौथा हर वर्ग का, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आए क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन नहीं है, महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा द, ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। द जो आपका है वो आपका किसमें हो जाता है, ये तीसरा वर्ण है आपका, किसमें, त, थ, द, त, थ, त वर्ग में आपका तीसरा वर्ण है। और महाप्राण कौन सा होता है, कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, तो फ आप देखेंगे तो ये भी दूसरा वर्ण आता है, ये आपका चौथा है क वर्ग में, ठीक है, ये क वर्ग में चौथा है, ये च वर्ग में भी चौथा है, ठीक है, ये पर वर्ग, प वर्ग में दूसरा है। तो दूसरा चौथा जितने भी जो व्यंजन वर्ण है, ठीक है, वो आपके महाप्राण है। तो ये जो द है वो आपका क्या है, ये तीसरा है आपका, ठीक है, किसका, ये त वर्ग का तीसरा है, ये त था द, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला में अघोष वर्ण होते हैं। देखिए हमने अभी बात की थी अल्प प्राण की और महाप्राण की। देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल में आपको करा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को अगर आप लिख लेंगे या समझते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जरूर क्वेश्चन लिख लें आप, ठीक है, इनका पीडीएफ अगर
आप ग्रुप ज्वाइन नहीं है तो आप जरूर क्वेश्चनों को लिख लें और डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आप लिख लें, यहीं से प्रश्न आपका मिलेगा। ये नहीं कि वीडियो के एग्जाम के लिए, यूपी टप्लसी किसी भी एग्जाम के लिए एक सारी चीजें आपके लिए काम आने वाली है। यूपी टप्लसी अदर एग्जाम की भी तैयारी करना है किसी की, तब भी आपका ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके, ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन मैंने जो है अच्छे लेवल के प्रश्न भी है। वर्णमाला में अघोष वर्ण, अघोष वर्ण और आपके सघोष, अघोष, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्णमाला अघोष वर्ण होते हैं तो ऑप्शन आपके हैं वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम व्यंजन, वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन, या फिर डी ऑप्शन है वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम व्यंजन। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कि वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन जो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है अघोष, ठीक है। जो मैंने आपका बताया था कि जो वर्ग मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आपके समझ देता हूं, क ख, ठीक है, ये आपका हो गया भाई। तो इसमें वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, ये आपका क्या हो गया, अघोष हो गया। कौन सा हो गया, अघोष, ये तो आपके हो गया अघोष, ठीक है। एक प्रश्न और पूछ जाते हैं जिन्हें हम घोष या सघोष बोलते हैं, घोष कभी कभी घोष नाम लिखा होगा या फिर आपका सघोष लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें आप कन्फ्यूज रहेंगे तो वो हम कैसे कहते हैं, वो आपका तीसरा चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये आपका पहला था, ये दूसरा, इसमें जो तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं भाई घोष या सघोष। तो ये ध्यान रखेंगे, अल्पप्राण हमने बात की थी तो पहला तीसरा पांचवा, ठीक है, महाप्राण में दूसरा और चौथा हमने बात की थी, लेकिन अघोष और सघोष भी यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से जो सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब अच्छे से समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है पूरी आपको, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि ये वर्ग के तृतीय चतुर्थ पांचम, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि घोष हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन, ये आपके महाप्राण की बात हुई है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम, ये बात किसकी हुई है, अल्पप्राण की, ठीक है, डिटेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब निम्नलिखित में घोष वर्ण नहीं है, मैंने अभी बताया था घोष या सघोष एक ही बात है, तो उसमें जो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे आप। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई नहीं है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि तीसरा चौथवा वर्ण आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घोष या सघोष, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कि ठ, जो ठ, जब जो हमने ट वर्ग आपको बताया था, ट वर्ग में क्या था, ट ठ ढ और ढ और ढ, ठीक है। तो ये क्या था, घोष वर्ण में क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तो ये क्या है, जो ठ आपका है, ये आपका जो क्या है, पहला और दूसरा जो क्या है, अघोष होते हैं, क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा। अगर हम ग वर्ग की हम बात करेंगे, देखो ये तीसरा है, क वर्ग में तीसरा है, प फ भ, प वर्ग में ये भी आपका प फ भ, ये भी तीसरा है, इसी त थ ध, ये भी तीसरा है त वर्ग में। तो इसी प्रकार जो है आपका कितना हो जाएगा, ये वर्ड नहीं है, नहीं पूछा था, तो ध्यान रखेंगे आपका इसी आंसर हो जाएगा, ठीक है। घोष में पुनः बोल रहा हूं कि घोष सघोष आपको अल्पप्राण महाप्राण अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे भाई स स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, क्वेश्चन 3100 प्रश्न आपका है कि स स और स और ह इनमें कौन से व्यंजन कहलाते हैं, प्रकंपी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और संघर्षी व्यंजन, और डी ऑप्शन है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको पता भी होगा, और सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, मैं लगातार स्टूडेंट की कमेंट भी पढ़ता रहता हूँ, मुझे कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। डी है आपका, यानी कि आपका जो, ठीक है, श श श ओह, ये आपका डी ऑप्शन यानी ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे सीधा सीधा कि भाई ये बताइए श
कौन से व्यंजन है तब भी आपको उष्म संघर्षी व्यंजन ही कहलाएंगे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ तीन ही दिए थे तो उसमें लेकर आप ध्यान ना हो, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है। ह वर्ड एक जो है काकल्य वर्ड भी कहलाता है, ठीक है, शायद मैंने क्वेश्चन करा दिया ना, वो तो आगे आएगा। निम्नलिखित में द्विगण व्यंजन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा प्रश्न जो परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, द्विगण व्यंजन कौन से है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, और नवविकसित, नवविकसित, तीनों नाम लिखे कोई भी आ सकता है, या तो द्विगुण व्यंजन लिख के आ सकता है, उत्क्षिप्त व्यंजन भी लिख के आ सकता है, नवविकसित व्यंजन भी लिख के आ सकता है, यानी कि तीनों की अगर बात होगी तब भी एक ही बात है। इसको लेकर बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कोई भी अगर एग्जामिनर जो क्वेश्चन घुमाता है तो इसी पर ही, जिस द्विगुण व्यंजन मैंने आपको ये पढ़ा दिया भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जो है अगर क्वेश्चन पूछे इनमें से निम्नलिखित में नवविकसित व्यंजन कौन से, तब स्टूडेंट फंस जाते हैं भाई, अब क्या, हमने ऐसा तो कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपको बस भाषा बदल जाती है, क्वेश्चन वही होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तब भी आपका यही व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इस नाम से भी कई बार जो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, ठीक है, द्विगुण व्यंजन के नाम से भी पूछा जाता है, नवविकसित व्यंजन के नाम से भी पूछा जाता है, तो ड और ड ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वर्णमाला में कौन सा व्यंजन पार्श्व व्यंजन होता है, कौन सा पार्श्व व्यंजन कहलाता है, ठीक है, तो कौन सा व्यंजन कहलाता है आपका, पार्श्व व्यंजन कौन सा होता है, डी ऑप्शन, यानी कि ल, जो ल होता है उसे पार्श्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, जो वर्ग मैंने आपको बताए थे वर्ड माला में, आपके पांच वर्ड जो वर्ग होते हैं, ठीक है, उन पांचवा अक्षर, उनका जो पांचवा अक्षर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला अक्षर कौन सा है, दूसरा अक्षर कौन सा है, तीसरा अक्षर कौन सा है, चौथा, पांचवा, तो जो पांचवा, सभी वर्गों की बात हो रही है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ग है वो क्या कहलाता है, जो वर्ड है पांचवा वो क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जा सकता है, घुमाकर भी पूछा जाता है, बताऊंगा कैसे। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त दोनों, उसे हम पश्चमाक्षर भी कहते हैं क्योंकि वो पांचवा अक्षर होता है, अनुनासिक भी जो है हम कहते हैं ना की सहायता से बोला जाता है। देख क्वेश्चन ऐसे ही कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ड कौन सा है, तो उसमें जो पांचवा जो अक्षर व्यंजन का है वो दे देगा। जैसे पांचवा अक्षर कौन सा होता है, एक तो आपका ये होता है, यड़ा होता है, ठीक है, ये होता है, तो ये जो हर वर्ग का जो पांचवा वर्ड है ना वो आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो पांच वर्ग हैं उनके सभी के ये पांचवा जो अक्षर हैं हर वर्ग के, तो इन्हें हम जो अनुनासिक भी कहते हैं, पंचमा अक्षर भी कहते हैं, तो नाक की सहायता से भी ये बोले जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नाक की सहायता से वर्ड बोला जाता है, ठीक है, व्यंजन, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 35वां प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन नहीं है, अच्छा नहीं पूछा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक है, हल्की चीज ये हटा देंगे इसमें, ठीक है, इसको हम जो है हटा देते हैं। इसमें अंतस्थ व्यंजन है, तो देखो अंतस्थ व्यंजन यवी होता है, रवि होता है, लवी होता है, ये ई ऑप्शन इसमें डाल दिया है, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको, नहीं नहीं इसमें हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन है, ये सभी य र ल व ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी कभी जो क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था अर्धस्वर, ठीक है, तो अर्धस्वर भी आप याद रखेंगे कि ये दो आपके अर्धस्वर भी होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, और बाकी य र ल व भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है, तो इनमें से एक ऑप्शन दे देगा कोई भी, तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन कठोर है, कौन सा व्यंजन आपका कठोर है, ऑप्शन आपके हैं ए क, बी ख, सी ख, अच्छा घ है, ये घ है, सी ख है, और डी आपका प है, तो इनमें से कौन सा व्यंजन कठोर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर
पा रहा होगा, बहुत अच्छी तरह आंसर सही दे पा रहा हो, मैं मानता हूं कि उसकी बहुत ही शानदार तैयारी चल रही होगी, ठीक, बहुत ही शानदार, ठीक है। अब वो इसी प्रकार लगा रहेगा तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कठोर व्यंजन निम्न कौन सा कठोर व्यंजन है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ख। आप कहेंगे सर ये कठोर व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक, कठोर व्यंजन कौन सा होता है, तो मैंने आपको बता दूं कि जो कठोर मैंने जो आपको पढ़ाए थे स्वर, स्वरों में भी आपको मैंने बताए थे कठोर स्वर और आपका शिथिल स्वर, तो इसमें भी कठोर और शिथिल की अगर हम बात करेंगे, शिथिल की चलो बात कर लेते हैं, ठीक है, कठोर और शिथिल, तो जो कठोर व्यंजन होगा वो आपका अघोष, ठीक है, अघोष प्लस आपका अल्पप्राण, कौन सा, प्लस आपका अल्पप्राण, सॉरी महाप्राण, ठीक है, ध्यान रखेंगे महाप्राण ध्यान रखेंगे आप, ऐसा वर्ड जो अघोष भी हो और आपका महाप्राण भी हो, ठीक है। शिथिल में क्या हो जाएगा, यहां आपका घोष हो जाएगा और यहां आपका ये अल्पप्राण हो जाएगा, ठीक, अल्प प्राण, तो ऐसा वर्ड आपको ढूंढना है। तो इसमें जो खा है तो आपको कठोर कैसे हो जाएगा, आपने सर अघोष में हमने क्या बताया था आपको, 1-2 1-2 यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा होता है भाई, अघोष होता है, ऐसे तो मैंने आपको बताया था, और यही भी बताया था महाप्राण कौन सा होता है कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है, तो इसका मतलब ये दोनों, तो यानी कि हर वर्ग का आप देखेंगे ये दूसरा जो मेल खा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, हर वर्ग का जो दूसरा वर्ड होगा वो कौन सा होगा, तो इस प्रकार देखेंगे जो खा है आपका वो क वर्ग में दूसरा वर्ड है खा, तो इसका इस प्रकार ये कठोर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान, और बाकी नहीं होगा, ये देखो ये पहला है क वर्ग में, ये आपका क वर्ग में चौथा है, ये आपका प वर्ग में पहला वर्ड है, तो इस प्रकार जो ये दूसरा वर्ड है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, ये आप बार बार जब करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अघोष और महाप्राण समझो। इसी प्रकार घोष की अगर हम बात करेंगे तो घोष में क्या होता था, पहला तीसरा सॉरी तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ड हो जाएगा। अल्पप्राण में क्या होता है, अल्पप्राण में होता है पहला और तीसरा और पांचवा, यानी कि जो तीसरा वर्ड होगा वो प्रतिवर्ग का वो क्या हो जाएगा, वो शिथिल कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन शिथिल है, देखिए आगे क्वेश्चन भाई कि निम्न में से कौन सा व्यंजन शिथिल है। अब आपको यह देखना है कि भाई सभी वर्गों में जो जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से तीसरा किस वर्ग का, ये तीसरा वर्ड यहां पर दिया गया है, तो इसका आंसर आपका देखो, अगर हम फा की बात करेंगे तो बिल्कुल प वर्ग का ये दूसरा ही लेटर है, ठीक है। ख अगर हम बात करेंगे तो क वर्ग का आपका ये क्या है, चौथा लेटर है, ये भी नहीं होगा, देखिए जो क वर्ग का ये तीसरा लेटर है तो ये आपका हो जाएगा क ख ग, ठीक है, और ट ये भी दूसरा है ट वर्ग का तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ग हो जाएगा। बस थोड़ा समझना है चीजों को, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन, अरे ये तो हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन कहलाता है, कौन सा व्यंजन लुंठित व्यंजन कहलाता है, ऑप्शन आपका ल श ड और र, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। देखिए लुंठित के नाम से अगर आएगा और प्रकंपित के नाम से भी आता है कभी कभी, ये ठीक है, प्रकंपित या लुंठित, तो इसको लिए कन्फ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, एक ही बात है, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे चाहे इस नाम से हो चाहे इस नाम से हो, यानी कि र आपको याद रखना है, लुंठित जो है र हो जाता है, ठीक है। जिसका किसी का नाम र पे आता है तो समझ ले लुंठित, मतलब जो व्यक्ति लुंठित रहता है, मतलब उदास व्यक्ति रहता है, तो ये ध्यान रखता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी ऐसी प्रकार से जब याद किया था, मेरा नाम भी रंजीता तो रहा याद आता, मैं बोलता था, बहुत सारे लोग कहते थे सर आप बहुत, मतलब जब भी मैं पढ़ता था कहते थे आप बहुत ही जो है सीरियस रहते हैं, बहुत ही मतलब उसमें, तो हंसते बहुत कम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते थे, लेकिन तो मैं अपने आप को मानता था मैं लुंठित हूँ, मतलब उदास टाइप का रहता था, लेकिन ऐसी बात नहीं, किसी किसी की आदत होती है, तो इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से सही मिलान नहीं है, मिलान नहीं पूछना है, ठीक है, नहीं है, तालव्य, मैंने शायद दूसरे तीसरे क्वेश्चन बहुत डिटेल के साथ बताई थी, तालव्य कंठ दंत्य और ओष्ठ, तो इसका आंसर आपको निश्चित रूप से पता लग गया होगा, क्या पता लग गया होगा,
इसका आंसर आपका हो जाएगा ये नहीं है भाई। ट ठ ढ मैंने आपको क्या बताया थे, ट ठ ढ कौन से हैं आपके, ये आपके मूर्धन्य होते हैं, क्या आपका कहलाते हैं मूर्धन्य वर्ण है। ओठ तो आपके प फ होते हैं, कौन से प फ ब भ म, ये आपके होते हैं ओष्ठ, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन, अब आप ऐसा लगे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कर लिया तो बस इतना ही छोड़ दूं, नहीं, ये आपको सारी चीज याद रखनी है। दंत कौन कौन से होते हैं, त थ ध ध, कंठ क ख घ घ, ठीक है, तालब के च छ छ झ, सभी याद रखनी है आपको। ये कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, ये नहीं कि भाई ये दे दिया, ये आपसे यही पूछ ले भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घ निम्न में से बताइए कौन सा वर्ड है, कंठ होता है, ठीक है। एक बार ये च छ पूछे गए हैं, कई बार ये ज भी पूछा गया, ज भी पूछा गया, ये दोनों का भी पूछा जाता है कौन से वर्ड है, वो आपके मूर्धन्य हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ व्यंजन वर्ण है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इसका सही आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये ऑप्शन ब और फ। जो ब और जो फ होते हैं वो आपके जो है क्या होते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन और कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने आपको जो है 20 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको करा है, जो आपको मुझे लगता है बहुत पसंद आएंगे, और हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नए देखने को मिलेंगे, बाकायदा मैंने डिटेल के साथ बताया है। तो इस प्रकार मैंने वर्णमाला से लगभग 40 प्रश्न आपको करा दिए हैं, और 40 नहीं, मैंने कम से कम 100 प्रश्न आपको कराए होंगे, लेकिन बस आपको समझने की, बस आप समझ सकते हैं कि जो डिटेल मैंने आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को, इस तरह से मैंने मैनेज किया है कि जो डिटेल बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें लेके चले। अगर डिटेल नहीं करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आप रट्टा मार सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो फंस जाएंगे। तभी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन को समझना है कि क्या बताया गया है, ठीक है ना, तो उसमें आपको आराम से कर लेंगे, ठीक है, चलिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।